बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बरकत जी और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त हम कश्मीर की वादी नीलम में, तो हम थोड़ी देर पहले ही वादी नीलम में जो है पहुंचे हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम है कि डिनर की तैयारी करने का, तो आइए देखते हैं कि आज हम डिनर में क्या क्या बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन। चिकन को धो लेते हैं। चिकन हम धो लेंगे यहीं पे चश्मे के पानी से। तो माशाल्लाह चश्मे का पानी जो है वो काफ़ी ठंडा है। ये एक मुर्गी हमने काट ली है, बाकी मुर्गियां जो हमारे गिर्द गिर्द घूम रही हैं इनका भी मेरे ख्याल में इरादा बन रहा है कि इनको भी काटा जाए। तो भी साथ साथ हम लोग कटिंग करने लगे और साथ साथ हम लोग बारीक भाई से ये पूछते हैं कि आज हम बना के क्या ब्रेड के लिए। आज हम बनाएंगे सिंपल चिकन जो हम घरों में वैसे बनाते हैं आम रूटीन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी जो है वो सफ़र में ना तो मैं खुद पसंद करता हूँ ना ही हम इसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी बेशी और खाने पीने में कमी बेशी जो है वो सेहत के लिए ज़रा अच्छी नहीं होती। तो वो नॉर्मल रूटीन में जो हम घर में बनाते हैं वही बना लेंगे। सबसे पहले हम चीज़ों की कटिंग जो है वो कर लेंगे ताकि तैयार करते हुए टाइम जो है वो बचे। इसका मतलब आप हमें कुछ भी स्पेशल नहीं खिला रहे, आप हमें आम ही खिला रहे हैं जो कि हम घर में खाते हैं, क्योंकि सफ़र के दौरान जो है वो नॉर्मल खाना जो है वो ठीक रहेगा। पर नॉर्मल में भी कुछ स्पेशल कहते हैं, तो स्पेशल रेसिपी जो है वो हम किसी यानी कि खुले टाइम में जब टाइम ज़्यादा होगा सब तैयार करेंगे। अभी हम जो है वो नॉर्मली कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो इसलिए जल्दी से हम कोशिश करेंगे ताकि डिनर जो है वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बारिक भाई के, एक तो हम सिंपल खाना बनाएंगे, वैसे भी हम लोग सिंपल ही ज़्यादातर बनाते हैं, और नंबर दो पे टाइम शॉर्ट है क्योंकि 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और 7 बजे तक जो वो रोशनी ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो फिर अगर हम जो वो ज़्यादा लंबी छोटी रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो देर हो जाएगी, तो डिनर भी नहीं रेडी हो पाएगा और आप लोगों के साथ प्रॉपर जो वो वीडियो भी शेयर नहीं हो पाएगी, इसलिए सिंपल ही सही है और शॉर्ट टाइम में। तो मुबारक भाई से पूछते हैं जी कुकिंग में फेवरेट काम कौन सा है इनका, जी कुकिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा काम है आपका वो कौन सा है? वैसे मुझे कटिंग जो है ना वो काफ़ी पसंद है और कोशिश करता हूँ कि इसे परफेक्शन के साथ जो है वो किया जाए और जल्दी जल्दी किया जाए। जो चीज़ें काटनी थी काट के हमने तैयार कर ली हैं और अभी पकाना शुरू करते हैं। हम आप सब आज रेस्ट करने वाले हैं, कुकिंग हो रही है मुबारक भाई के हाथों की। देखते हैं आज खाते हैं या छोड़ते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं बहुत भूखी हूं। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, कढ़ाई चूल्हे पे रख के कढ़ाई में ऑयल जो है डाल दिया, अभी ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब कढ़ाई में डाल लेते हैं प्याज। प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। बारिक भाई की कर रहे हैं और बच्चे जो वो काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग चलते हैं घूमने फिरने, तब तक देखते हैं कि आने तक खाना बनता है कि नहीं। बच्चों को लग चुकी है भूख, चले बच्चे चले जाते हैं। आए हमको चीज़ दे क्या क्या आया। प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लिया, अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं गोश्त।
बिस्मिल्लाह। अभी गोश्त को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया और अभी टमाटर और साबुत मिर्च कढ़ाई में डाल लेते हैं। टमाटर और साबुत मिर्च को भी नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग भून फिर के आ गए हैं और बारिक भाई अभी चिकन भून रहे हैं। तो लहसुन जो कि पीछे से जरूरत पड़ गई लहसुन छीलने की, वो हमें याद नहीं रहा था, तो अभी मैं लहसुन छील देती हूँ ताकि मुबारक भाई की सौ बाइंड अप होने तक मैं इनको जो है लहसुन साफ करके दे सकती हूँ। टमाटर और साबुत मिर्च भी नरम हो गए हैं। और अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं लहसुन। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा अदरक पाउडर डाल लेंगे। फ्रेश अदरक जो है वो अवेलेबल नहीं था इसलिए हम पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक शामिल कर लेंगे। सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, मसाला जार डालने के बाद अभी गोश्त को थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। और अभी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। चिकन को मसाला जार के साथ अच्छी तरह भून लिया है और अभी थोड़ा सा पानी जो है वो हम कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। जितनी हम ग्रेवी बनाना चाहेंगे उतना इसमें पानी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा हिलाएंगे, थोड़ी सी डाल लेंगे कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाह। इसको हम हाथ से मसल लेंगे ताकि ये बारीक हो जाए। कढ़ाई को ऊपर से डाल देंगे, वो नीचे हल्की कर देंगे और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसे दाब के पका लेंगे। चिकन को दाब कर पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अभी ढक्कन खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की और चिकन हमारा जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। कढ़ाई को ऊपर से दाब देंगे और आग नीचे से बिल्कुल बंद कर देंगे। और जब तक रोटी आती है इतनी देर तक कढ़ाई को चूल्हे पे रहने देंगे ताकि सालन जो है वो गर्म रहे। रोटियां तैयार हो गई हैं और अभी हम लोग आ गए हैं रोशनी वाली जगह पे, क्योंकि वहाँ पे रोशनी ज़रा कम हो गई थी। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा चिकन का सालन जो है वो कैसा तैयार हुआ। तो खाना तैयार हो चुका है और अभी सर्विंग भी कर चुके हैं जो कि मुबारक भाई ने पर्सनली तौर पर की है। तो सबसे पहले तो मुबारक भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा खाना बना के हमें सर्व किया और हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया कि हम लोग रेस्ट कर सकें। और नंबर टू पे आप लोगों को टेस्ट करके बच्चे ही बता देते हैं खाना कैसा बना। खाना कैसा बना भाई, उधर कैसा बना कैसा बना।
बोल के बताओ ना। अच्छा बना यम, ये यम ना मसाम का भाई, वो मसाम कह रहा है बहुत मजे का बना, अगर मजे का ना बना होता तो बच्चों ने खाना ही नहीं था, तो बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, इसलिए खाना खुशबू से भी पता चल रहा है कि बहुत मजे का बना है। तो अभी टेस्ट करेंगे ऐसे साहब और बताएंगे आपको कि कैसा बना। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है और मुबारक भाई ने काफ़ी टाइम लगा खाना बनाया, तो अभी मुबारक भाई ने जो बनाया तो खुद ही उसको ज़रा बताएं कि कितना एफर्ट लगाई है। अभी सभी खाएंगे और खाने के बाद आपको बताएंगे कि कैसा है। खाना मज़े का था तो हम लोगों ने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो।